पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की चोरी कैसे की जाती है? आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। एक बार वैज्ञानिकों ने चोर पकड़ने वाली मशीन बनाई। जापान में जब इस मशीन को टेस्ट किया गया तो वहाँ 24 घंटे में 10 चोर पकड़े गए। अमेरिका में तो 24 घंटों में 50 से भी ज्यादा चोर पकड़ लिए गए। ऐसे ही दुनिया के कई देशों में मशीन में टेस्ट किया गया। इसके बाद जब मशीन भारत आई तो 24 घंटे के भीतर वो मशीन ही चोरी हो गई। आप सभी अपनी बाइक, स्कूटी और गाड़ियों में पेट्रोल तो डलवाते ही होंगे और आप कई बार ये शिकायत भी करते होंगे कि आपकी गाड़ी एवरेज माइलेज कम दे रही है। और भी जब आपकी गाड़ी में तेल ही कम डाला जाएगा तो एवरेज तो अपने आप ही कम आएगा ना। अब आप कहेंगे कि आप तो बहुत ही सावधानी के साथ पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल डलवाने से पहले मीटर अच्छे से चेक करते हैं और पेट्रोल डलवाने के बाद ही पैसे देते हैं। ऐसे में उनकी गाड़ी में पेट्रोल कम कैसे डाला जा सकता है? लेकिन बंधु, आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के मालिक बहुत ही शातिर होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पेट्रोल पंप्स पर रोजाना 50,000 लीटर तक पेट्रोल की चोरी की जाती है, जिससे पेट्रोल पंप के मालिक लाखों रुपए की काली कमाई करते हैं। लेकिन ये पेट्रोल पंप वाले आखिर चोरी कैसे करते हैं? क्या उन्हें पुलिस या प्रशासन कुछ नहीं कहता? और पेट्रोल की चोरी से कैसे बचा जा सकता है? इन सब के बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, भारत में रोजाना धोखाधड़ी और चोरी करने के नए नए तरीके आते रहते हैं। पेट्रोल डलवाते समय कई बार आपने देखा होगा कि पेट्रोल डालने वाला कर्मचारी बार बार नोजल को ऑन ऑफ कर रहा है, लेकिन इस दौरान मशीन का मीटर लगातार चालू रहता है। जितने समय के लिए वो नोजल को दबाता है उतनी देर के लिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल जाता ही नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी में 1000 का तेल डलवाया। 1000 का पेट्रोल डालने में 1 मिनट का समय लगता है और इस 1 मिनट में 10 सेकंड के लिए कर्मचारी ने नोजल को ऑफ कर दिया, यानी उस 10 सेकंड के लिए आपकी गाड़ी में तेल गया ही नहीं और सीधे तौर पर आपको 100 रुपए के तेल का चूना लग गया। क्योंकि पेट्रोल डलवाने के दौरान आपकी पूरी नजर सिर्फ मीटर की ओर थी और कर्मचारी के हाथों की ओर आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो सिर्फ एक तरीका है। इसी प्रकार और भी कई तरह के पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल चोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार पेट्रोल डालने वाला व्यक्ति आपको बातों में उलझाने की कोशिश करता है। पेमेंट कैश से होगी या फिर कार्ड से, और इस तरह से कई सवाल करने लगता है। इसी दौरान आपका ध्यान भटक जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल पूरा नहीं डालता या फिर वो अपनी मशीन को जीरो से स्टार्ट ही नहीं करता। आपसे पहले वाले व्यक्ति ने यदि 100 रुपए का तेल डलवाया हो और आप अपनी गाड़ी में 500 का पेट्रोल डलवाना चाहते हैं तो कई बार कर्मचारी उस 100 रुपए के आगे से ही मीटर को चालू कर देता है। इसके अलावा अक्सर वो आपका ध्यान भटकाकर फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि एक मशीन पर दोनों तरफ पेट्रोल डालने वाला हैंडल होते हैं और दोनों का मीटर अलग अलग होता है। वो आपको पहले मीटर में 0 दिखाएगा और उसी में नंबर डालेगा, लेकिन पेट्रोल डालते वक्त वो दूसरा पाइप अपने हाथ में लेगा और उससे पेट्रोल डाल देगा, जिससे आपकी गाड़ी में कभी भी पूरा पेट्रोल आएगा ही नहीं। आजकल के आधुनिक जमाने में चोरी भी आधुनिक तकनीक से की जाने लगी है। पिछले साल उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह पेट्रोल पंप के मालिकों ने अपने मशीनों पर एक चिप इंस्टॉल कराई थी। इस चिप की मदद से आप चाहे कितना भी पेट्रोल क्यों न डलवाएं, हर बार पेट्रोल 5 से 15% तक कम ही आएगा। इस बारे में आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो कर्मचारी नोजल को हाथ लगा रहा है और मीटर भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। असल में वो चिप इंजीनियर्स द्वारा इंस्टॉल की जाती है और एक चिप इंस्टॉल करने के लिए ही इंजीनियर हजारों रुपए चार्ज करते हैं। ये चिप एक रिमोट की मदद से कंट्रोल होती है। अब आप कहेंगे कि भला इसमें रिमोट का क्या काम? तो आपको बता दें कि समय समय पर पेट्रोल पंप पर छापे पड़ते रहते हैं या फिर औचक निरीक्षण के लिए टीम पहुंच जाती है। वो टीम जांच करती है कि मशीन से पेट्रोल पूरा आ रहा है या नहीं। जैसे ही कोई टीम पेट्रोल पंप पहुंचती है, रिमोट कंट्रोल की मदद से चिप को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे मशीन सही काम करने लगती है। इतना सब जानने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि क्या हम पेट्रोल की चोरी को पकड़ नहीं सकते और हमें पूरे पैसों का पेट्रोल मिले? इसके लिए क्या सावधानी हम बरत सकते हैं? तो दोस्तों, जब भी आप पेट्रोल डलवाएं तो ऐसे पेट्रोल पंप पर ही जाएं जहां आधुनिक तकनीक वाली डिजिटल मशीनें लगी हुई हो, क्योंकि डिजिटल मशीनों पर चोरी करना या सेटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। भारत में सभी शहरों और अधिकतर जगहों पर अब डिजिटल मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल डलवाते समय ध्यान रखें कि मीटर 0 से ही स्टार्ट हो और जिस मीटर पर 0 सेट हो उसी के नोजल से आपकी गाड़ी में तेल डाला जा रहा हो। यदि पेट्रोल डलवाते समय मीटर बहुत अधिक तेजी से चल रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं या फिर पेट्रोल जांच की मांग कर सकते हैं। सभी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मापने के लिए कुछ बर्तन होते हैं। यह आपका अधिकार है कि आप उन बर्तनों से पेट्रोल की जांच करा सकते हैं। पेट्रोल डलवाते समय ध्यान रखिए कि कर्मचारी बार बार नोजल के हैंडल को प्रेस न करे। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप तुरंत उसे रोक सकते हैं या फिर मैनेजर के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। कुछ लोग गाड़ी में बैठे बैठे ही पेट्रोल या डीजल डलवा लेते हैं। पेट्रोल डलवाते समय यदि आप धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं तो बस गाड़ी से उतरने का कष्ट करें, जिससे आप ध्यान रख पाएं कि पेट्रोल डालने वाला कर्मचारी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना करे। साथ ही गाड़ी से उतरने पर कर्मचारी खुद ही थोड़ा सचेत हो जाते हैं। पेट्रोल डलवाते समय अपनी टंकी को आधी से ज्यादा फुल कराएं, वरना टैंक में हवा भर जाएगी, जिससे पेट्रोल कम होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक और खास बात का ध्यान रखें कि पेट्रोल कभी राउंड फिगर में ना डलाएं, जैसे कि 100, 200, 500, 1000, 2000 फिगर्स
में पेट्रोल डलवाने पर आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पेट्रोल पंप्स की मशीनें इस तरह से सेट कर दी जाती है कि जो भी व्यक्ति इन आंकड़ों में तेल डलवाएगा उसकी गाड़ी में ऑटोमेटिकली तेल थोड़ा कम जाएगा। इसीलिए हमेशा ऑड फिगर्स में गाड़ी की टंकी भरवाएं, जैसे 210, 490, 105 या 1005। तो इन सब तरीकों से आप काफी हद तक पेट्रोल पंप पर होने वाली चोरी से बच सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप कभी पेट्रोल पंप वालों के इस साजिश का शिकार हुए हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।